नमस्कार, SBN9 न्यूज में आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। आखिरकार कौन चेहरा होगा जो यहां पर बागडोर संभालता हुआ नजर आएगा? आखिरकार कौन 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? इस बात को लेकर लगातार बैठकें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि जहां पर बैठक है तो वहीं कांग्रेस के एक पोस्टर ने बवाल मचा दिया है। यहां पर आपको बता दें कि कुछ चेहरों को कांग्रेस ने एक पोस्टर में दिखाया है जिसमें राहुल गांधी का जिक्र तक नहीं किया गया है, जिसके बाद ये कयास शुरू हो चुके हैं कि आखिरकार इस पोस्टर का मतलब क्या है। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA को हराने के लिए बने 26 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज मुंबई में तीसरी बैठक हो रही है। बैठक से पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें राहुल गांधी को लीड रोल में दिखाया गया था। राहुल के साथ इस पोस्टर में उनकी मां सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और जैसे विपक्षी दलों के नेताओं को दिखाया गया था। लेकिन उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जगह नहीं दी गई थी, जो पहला पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर पर विवाद बढ़ने के बाद इसे डिलीट कर दिया गया और बाद में एक नया पोस्टर जारी किया गया, जिसके बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें, अब नए पोस्टर में कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों के मुख्यमंत्रियों की एक नई तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है, लेकिन अब राहुल गांधी पोस्टर से गायब हो गए हैं। इस पोस्टर को कांग्रेस ने एनडीए के मुकाबले इंडिया की मजबूती और व्यापकता को दर्शाने के लिए जारी किया है। अब यहां पर आपको बता दें कि पहली तस्वीर में राहुल गांधी को दिखाया गया, लेकिन दूसरी तस्वीर में, दूसरे पोस्टर में यहां पर एकदम से कांग्रेस ने अपना यहां पर पोस्टर ही चेंज कर दिया, जो ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही यहां पर PM चेहरे के लिए उतरे, लेकिन जो यहां पर बवाल ना छिड़ जाए इसलिए उन्होंने अपना पोस्टर चेंज कर दिया।